जान के बदले तो आप जान भी नहीं दे सकते, इतना गवर्नमेंट भी नहीं दे सकते। कम से कम मेरे बच्चे को न्याय तो मिले। और दूसरे बात, आगे चल के और कोई हिंदू बच्चे की कोई भी बच्चे के साथ ऐसा ना हो। सर अब क्या मांग सकता हूँ, गरीब आदमी, मेरा तो सहारा ही चल गया सर, अब क्या करूँ, क्या करूँगा, बिल्डिंग बना के क्या करूँगा मैं। मेरा लड़का खाना खाने इधर घर को आया था, घर से मेरे लड़का जैसे आवाज़ सुन के निकल जाते घर से, तो ये चौक से अपनी वाले चौक से लेके गया मेरे लड़के। आप बताओ ना भैया, बताओ ना, एक हिंदू एक मुसलमान की तरह नहीं, एक इंसान की तरह बताओ आप, सही है कि गलत, कार्यवाही करो। क्या कर, इतने बड़े विधायक यही बोल रहे हैं, या तो हमारे हाथ में दो या फिर हमको पता बताओ कितने लोग को लेके गए, कहाँ लेके गए हैं, अब हमारे हाथ में छोड़ दो, बस ये करो, इतना कर सकते हो, अब हमारे बात पहुंचा सकते हो, जिनके पास पहुंचाने उनके पास पहुंचाओ, लेकिन हमारे हाथ में दो या फिर हमको एड्रेस बताओ, अगर लेके गए हो तो एड्रेस बताओ, और नहीं लेके गए हो तो हमारे हाथ में दो, या फिर आप हटो, जो है ना पुलिसकर्मी उनको हटो, हटाने बोलो, हम जाते अभी उनके घर में, हमारा जान गया, उनका सुरक्षा कर रहे, ये कौन सी सही बात है, ये सही बात है, हाँ उनको दे रहे हैं, जबकि हमारा है, जो भी गया हमारा गया, आप ही बताओ, उनको दे रहे हैं पाबंदी, तो ये सही है कि गलत है, आप बताओ ना भैया, बताओ ना, एक हिंदू एक मुसलमान की तरह नहीं, एक इंसान की तरह बताओ आप, सही है कि गलत, इंसान की तरह ही हम बोल रहे हैं कि बिल्कुल नाजायज बात हुई है, बिल्कुल गलत हुआ है, और पुलिस प्रशासन को आपकी पूरी मदद करना चाहिए, आपकी जितनी बातें हम पूरा आपके दर्द को समझ पा रहे हैं और पूरी बातों को हम आपकी रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो सरकार से कहना चाहती हैं, जो पुलिस से कहना चाहती हैं, बिल्कुल आप बोल सकती हैं। आप देखो ये गाँव में ना वो लोग बहुत दिन से ये कर रहे हैं, किसी की बहन को ला लेते थे, किसी और कुछ कर देते, किसी को गाली या फिर कुछ, ठीक है, अब मैं तो बहन देखो मेरी शादी हो गई, फिर भी दूसरे के बहन के बचाने के लिए वो लड़ा है, मेरा भाई कितना बड़ा काम किया हुआ, तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए बता, छोटे छोटे बच्चे को मार रहे हैं वो लोग, तो वो बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे अब ये बच्चा कुछ समझदार है क्या, बताओ ये, इसको जो बोलोगे वो बोलेगा, वो उसको हिंदी और मुसलमान में कुछ पहचान है, तो वो लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, लड़ते हैं तो बड़े लोगों से लड़ना चाहिए ना, बच्चे भगवान है भी, उसको कुछ पता नहीं है, जो पुलिस का कार्रवाई हुआ है उससे संतुष्ट नहीं है आप, जैसे दीदी बता रही हैं कि बिल्कुल भी संतुष्टि आप लोग को संतोष प्रद कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है, कुछ जल्दी से जल्दी कार्रवाई चाहिए, आप जो जिससे बात करें उसका जल्दी हमको जवाब दो, हम यही दो मांग है हमारी सिर्फ, अगर लेके गए तो एड्रेस बता, और नहीं लेके गए तो हमारे हाथ में दो, इससे आगे कुछ नहीं। बॉडी लाने के लिए सुबह से परेशान कर रहे थे मेरे को 5 बजे से, चलो जल्दी लाओ, जल्दी वहाँ टाइम लग जाएंगे, जल्दी चलो, आखिर हम गए 1-1.5 घंटे हमने जानबूझ के लेट किए। उस समय घटना के दौरान आप लोग कहाँ थे, आप कहाँ थे? मैं उधर से जहाँ मीटिंग इकट्ठा हुए थे। अच्छा, वहाँ पर जो धावा बोला गया, पत्थर से मारा गया, उसके बाद फिर आप आपकी तरफ से कोई एक्शन था, या फिर आपने उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, पुलिस को इसके बाद की सूचना दी थी? ऐसे नहीं, पहले तो उधर नदी उस पर स्कूल जाते हैं ये गाँव के बच्चे लोग, रास्ते में कबाड़ी की दुकान है, कबाड़ी की दुकान में 8-10 पोट्टे ऐसी 18-20 साल के पोट्टे लोग जहाँ के बैठे रहते हैं, उनकी समाज के खुला हुआ है कबाड़ी खरीदने का दुकान, वहाँ बैठे हुए हैं, और कुछ बच्चे मुसलमान की कुछ हिंदू की चचान बेटा जाते हैं स्कूल पढ़ने, तो आते आते लोग झगड़ा होते हुए आते हैं स्कूल बच्चे एक दूसरे में, तो रास्ते में जो बैठा है बोल रहा है ना नदी के उस पर कबाड़ी दुकान वाला, वो लोग और सनकाते थे, झगड़ा उकसा रहे थे उनको, तो एक दूसरे झगड़े हो गए, तो बड़ा वाला पुट्टा जो बड़ा है वो बेटा 17-18 साल का, उसने और हमारे हिंदू समाज के लड़कियों को मार दिए, पौवा फेंक के मार दिए, खाली बॉटल की कबाड़ी की दुकान, उसके हाथ लग गए या हाथ लग गए मस्तक को लग गए, फिर उसने भी कुछ मारा तो बड़े वाले लड़के ने उसको और मारा, उसके बाद में रोते हुए हाथ पकड़ के अपने माँ के आए मानी नदी के इस पार, तो वहाँ उसके माँ गए कौन मारा करके, तो उसके माँ को भी मार दिए, और कल नव यहाँ पे नवरात्रि था
जो जवारा हुआ था विसर्जन करने गए थे, तो कुछ शीतला आ गए थे वापसी, कुछ वहीं पे थे मंदिर के पास जहाँ विसर्जन करते वहाँ, उधर से आए थे। अरे बच्चे को मारा तो मारा, लड़की लेडीज को भी मार रहा, इनके इतके ये हो गए, नहीं अब इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो कैसे करे, हमारे गाँव का जो है सियान वो बोले ऐसे मत करो, चलो गाँव अंदर जाके कुछ रास्ता निकालते, उसके मीटिंग सकलाएंगे। हम लोग मीटिंग सकला ही रहे थे, कोतवाल घरों घर आए मीटिंग करने, उत्ते में हम बैठे थे कि उनका चालू हो गया, पत्थर कुछ ऊपर से पत्थर बरसा रहा है, कुछ नीचे से डंडा औजार लेके जा रहा है। आप लोग पूरे निहत्थे थे, आप लोग तुम यही मीटिंग के लिए वहाँ पर पहुँचे थे। जी जब आप लोग का हमला हो रहा था इस तरह से अचानक से हुआ, तो जो साथ में और लोग बैठे थे क्या वो डर गए थे, सहम गए थे इन चीज़ों को देखते हुए, और मतलब उस हमले का विरोध नहीं हो पाया और मौके पर आप लोग बचा नहीं पाए ऐसा लगा? कुछ पुलिस वाले थे 8-7 जने, हाँ वो लेके पत्थर लेके हमारे लोग बरसा ही रहे थे, फिर वो समझौता करने आ ही रहे थे पीछे से समझो पुलिस वाला, फिर उसके ही सर को चोट लग गए, उसके सर को चोट लगा तो फिर इधर उधर सब तितर बितर हो गए, वो नीचे गिर गए पुलिस वाला, पुलिस वाला नीचे गिरे सब शांत हो गए, इधर शांत उधर, यानी कि वो लोग भी हट गए वहाँ से, पुलिस वाले जैसे नीचे गिरा वो लोग भी वहाँ से हट गए और हम लोग भी एक साइड हो गए। फिर उतने में मेरे को खबर लगा, ए तेरा लड़का वहाँ पड़ा है, तेरा लड़का वहाँ पड़ा है उनके एरिया तरफ। फिर मैं बोला मैं जाऊंगा तो मेरे को भी पकड़ लेंगे, मैं अपने मिसेज को लेके गया यहाँ से दौड़ते हुए आया, चल वहाँ पड़ा है बोलता मेरा लड़का करके लेके गया, लेके गए तो जान ही नहीं दे रहे थे हमारे हिंदू लोग, मत जा तेरे को भी मार डालेंगे, मत जा उसके साथ पुलिस है, क्योंकि पुलिस वही रास्ते से गया और वही रास्ते से वापसी हुए, तो हम लोग को भी उनकी जानकारी में होते हुए भी उन्होंने साथ नहीं दिया। वो ऐसा लगा पुलिस वही रास्ते से गया उनके साथ ही, और उनके साथ ही आप उनकी बहन हैं? हाँ मैं बहन हूँ, मैं देखो पता नहीं था, मैं आज पुणे से आई हूँ, मैं एक बार भी अपने भाई को देख नहीं पाई, बताओ क्या किया था मेरे भाई ने, क्या गलती था मेरे भाई का बताओ ना इतना। आप ये हम वही बोल रहे भाई, हमको जल्दी से जल्दी एक्शन दिखाओ, करो आप लोग को क्या कहना, अपराधी अभी भी खुला घूम रहा है? हाँ खुला घूम रहा है, क्यों नहीं घूम रहा है तो बताओ ना, हमको प्रूफ दो उसका, फोटो प्रूफ एड्रेस जो भी देना है दो। मेरा लड़का काम पे क्या काम करता था? वो ट्रैक्टर पे हमाली करता था, गिट्टी रेती ढोता था, हमाली करने गया था, हमाली करके आया करीबन वही 12-1 बजे दोपहर में ही, दोपहर में हमाली करके आया, एक बार में खाना खा के जैसे यहाँ था घर में बैठा था, उतने में कुछ शोर शराबा सुना उसने, तो ये चौक पे निकल गए, तो चौक से खींच के लेके गए उसको, और उधर अलग मीटिंग था तो उधर था वो चौराहे पे। मेरा लड़का खाना खाने इधर घर को आया था, घर से मेरे लड़का जैसे आवाज़ सुन के निकल जाते घर से, तो ये चौक से अपने ही वाले चौक से लेके गया मेरे लड़के को, वहाँ ले जाके मार डाले। फिर हमारे 1-1.5 घंटे बाद हमको खबर लगी कि तेरा लड़का पड़ा है, क्योंकि हमारे पूरे गांव के लड़के तो वो आते जहाँ मीटिंग था वहाँ, ऐसा हुआ सर पीछे आकर के। हाँ, और इस तरह लड़के को क्या कर पाएंगे आप लोग इतने समय से हैं यहाँ पे गांव में, इससे पहले कभी ऐसा माहौल बना था क्या, कभी हुआ था ऐसा कुछ? नहीं हुआ था कभी ऐसा, कोई आपसी विवाद नहीं था? नहीं, कोई मेरे लड़के का कोई किसी से विवाद नहीं, मतलब गांव में और किसी के साथ? गांव में 4-5 साल हुए भैया रहने। अच्छा, नागपुर में रहते थे हम लोग, मेरी शादी की है ना तो यहीं पे बस गए, ऐसा है, बाकी वहीं रहते थे हम शहर में, तो बस गए। फिर जो हमारे दादा है ना उन्होंने अलग भी दे दिए जमीन, तो बोलते दूसरे के जहाँ के मंजूरी करते उसे अच्छा अपने घर में खेत में फसल उगाएं करके यहीं पे बस गए ये लोग, क्योंकि बुजुर्ग हो गए ना दादाजी, तो कितने दिन से संभालेंगे वो जमीन खेत वगैरह है ना, इसलिए अपने बेटे को दे दिए, तो ये लोग भी यहीं पे बस गए काम करने के लिए। फिर मेरी शादी वादी हुई, फिर कौन जाएंगे है ना, बड़े बच्चे भी बड़े होके कमाने लायक, ऐसे करके यहीं पे उन्हीं की हिम्मत में ये रुका है यहाँ पे, उनकी मेरे बच्चों हिम्मत करके छोटे से तो शायद मेरे लिए जाके कैसे भी पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, अब कमाने लायक रह गए शहर में नहीं रहने गांव में। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे थे सर, मेरे 3 बच्चे थे, ये लड़की है फिर वो लड़का था फिर छोटा। जमीन उतना नहीं है भैया, मैं बता रही हूँ, 4 भाई तो थोड़ा थोड़ा मिला है बस, ये जो शरीर ना इसके भरोसे ये लोग है, मतलब जीवित है ना, राशन वगैरह में कुछ नहीं, ना
गाँव करके यहाँ रुक गए। 10 रुपए कार्ड में राशन दे रहे, 10 रुपए कार्ड में, और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उनको 1 रुपए में मिल रहा है। आप लोग का राशन भी नहीं हुआ मुहैया? 10 रुपए में मिल रहा है, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो चावल बनाया, 10 रुपए किलो से चावल नहीं बनाया। मैं 1 साल से उनको कागज बोल रहा हूँ, 5 साल से ही बोल रहा हूँ, लेकिन अभी 1 साल से मैं दिया हूँ। मेन बात हमारे गांव के जो है ना सचिव सरपंच वही है, गलत है। वो साथ देते तो क्यों नहीं होता था, जब अपने साथ नहीं दे रहे तो कहाँ से साथ देगा। हाँ बताओ, बड़े बड़े लोगों के लिए कितना आवास बना है, कार्ड में नाम है, गैस है, सब सुविधा है, और हमारा कुछ नहीं है। फिर ये गलत है ना, ऊपर से ये फालतू है, वो वही चाहिए जान के बदले जान। न्याय की मांग है। हाँ, और डरा हुआ है, और जाहिर सी बात है जान तो जान होती है, चाहे किसी गरीब की भी जान हो, किसी एक व्यक्ति की जान हो, जान जान होती है। और सरकार प्रशासन के प्रति जो नाराज़गी है वो सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं हम, इनके दर्द को समझ पा रहे हैं। और जाहिर सी बात है अब इस जगह पे कोई भी आएगा वो उसके ऊपर नाराज़गी निकलेगी ही, कि हम भी एक जरिया हैं बात रखने के। तो सरकार और प्रशासन से हम भी ये अपील करते हैं कि जो न्याय हो सकता है, जो जस्टिस हो सकता है, वो बिल्कुल किया जाना चाहिए इस विषय में, और जरूर किया जाना चाहिए। और हमारे जगह में उनका रहता ना जो सचिव सरपंच जो भी, तो लोग जल्दी कार्रवाई करते। क्यों? हमारी गरीब की जान नहीं है, जान ही हम होती हमारी, हमारे परिवार नहीं होती, उनको दुख नहीं होता है? बताओ ना, दुख नहीं होता होगा? जान नहीं है, परिवार कुछ नहीं है क्या? उनका सब चीज है, पैसे से गरीब जरूर है, परिवार हमारे, इनको दुख नहीं हो रहा है? दुख हो रहा है जब साथ देने आए है ना, तो हमको वही होना जान के जान बदले जान। तो एक गरीब परिवार, एक गरीब बाप अपने बच्चों को मुफलिसी में भी पालता है, और शक्ति घाट से इस घटना की शुरुआत होती है, शुरुआत भीतर गांव में आकर के ख़त्म होती है। ख़त्म में एक बच्चा होता है, जिस बच्चे के पिता और बहन का जो दर्द है वो इस माइक के, वो इस कैमरे के सामने निकल रहा है। न्याय की मांग है, वाजिब है, अगर कोई भी हो, किसी के साथ ऐसा होगा तो वो न्याय की मांग करेगा। तो आगे क्या अपडेट रहेगी, लगातार हम बताते रहेंगे, सामने से क्या बयानबाजियाँ आती है, क्या बातचीत होती हैं, वो भी हम आपके सामने दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।